हेलो गाइज, वेलकम टू एमएस ब्लॉगर। मैं हूं आपका महन सिंह। इस समय मैं आपको लेकर आया हूं औरंगाबाद में स्थित अलोरा गुफाएं, जिसमें कुल 34 गुफाएं हैं। और इस समय हम 4:45 बजे आए हैं और 6 बजे तक ये गुफाएं खुली रहती हैं। तो उनमें से कौन कौन सी गुफा मैं आपको दिखा पाऊंगा समय के अंदर, वो आपको ले चलता हूँ अलोरा गुफा दिखाने। तो दोस्तों, घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम आपको अब लेकर चलूंगा इस मंदिर से 300-400 मीटर की दूरी पर जो स्थित है। आप वॉक डिस्टेंस भी तय करके यहां पहुंच सकते हैं एलोरा गुफाएं, माने एलोरा केव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां अंदर जाने का टिकट लेंगे, जो 40 रुपये प्रति पर्सन टिकट का पड़ता है। तो टिकट लेकर हम आपको एंट्री हम अंदर कराने जा रहे हैं। दोस्तों, इन अलोरा गुफाओं को राजकोट वंश के शासकों द्वारा 5वीं से 10वीं सदी के बीच में बनवाया गया था। दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मुख्य द्वार से अंदर की ओर ले चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कैलाश मंदिर के दर्शन कराऊंगा। अलोरा केव वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के कारण बहुत से विदेशी लोग इस वेरुल गांव में अलोरा गुफाओं को देखने के लिए यहां आते हैं। दोस्तों, ये गुफाएं हमारे भारत देश की कुशल चित्रकारी को दर्शित करती हैं। इस समय आपको कैलाश मंदिर के दर्शन करने के लिए हम ऊपर की ओर ले आए हैं और यहीं से आपको सामने हम कैलाश मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन कराएंगे, जो काफ़ी विशाल शिवलिंग है। तो चलिए, मैं आपको सामने कैलाश मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। उसके बाद हम आपको यहाँ दर्शन कराने के बाद इसी मंदिर के सामने आपको दूसरे रूम में, जो यहाँ नंदी महाराज विराजमान है, तो उनके भी हम दर्शन कराऊंगा। हर हर महादेव। वास्तव में बहुत सी चट्टानों को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। यही कारण है कि इसे देखने के लिए विदेश से काफी लोग आते हैं। कैलाश मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको बाहर ले चला और भी आपको गुफाएं दिखाएंगे। दोस्तों, इस एलोरा में 100 से अधिक गुफाएं हैं, जिनमें से आप 34 गुफाओं के आप यहां के दर्शन कर सकते हैं। तो उनमें से 1 से 12 जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं और 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं हैं। इस तरह से 30 से लगाकर 34 तक गुफाएं जो हैं वो जैन गुफाएं हैं। तो दोस्तों, एलोरा में आकर आपको मुख्य गुफाएं कौन सी देखनी है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जैसे ही आप टिकट लेकर अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सामने ये भव्य मंदिर, कैलाश का मंदिर दिखाई देगा। कैलाश मंदिर 16 नंबर गुफा है। तो हम आपको कैलाश मंदिर दिखाने के बाद अब हम आपको नीचे की ओर ले चल रहा हूँ। दोस्तों, गुफा नंबर 16 यानी कैलाश टेम्पल पूरी दुनिया की एक विरासत है, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है, जो कि एक सिंगल रॉक यानी एक ही चट्टान से बनाया गया है। दोस्तों, किसी भी मंदिर को बनाने के लिए सबसे पहले नींव डाली जाती है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण फ्रॉम द टॉप यानी ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। दोस्तों, आज भी 1200 साल के बाद भी इस मंदिर की भव्यता को आप देख सकते हैं। बहुत से आपको मंदिर के बाहर बड़े बड़े हाथी बने हुए आपको दिख रहे होंगे। इनकी एक दीवार पर रामायण को चित्रित की गई है और दूसरी दीवार की तरफ यहाँ पर महाभारत को चित्रित किया गया है। तो मेरे साथ इन गुफाओं के अंदर स्थित मूर्तियों के दर्शन कीजिए
और यहाँ के व्यू का आनंद लीजिए। दोस्तों यहाँ आकर आप गाइड भी कर सकते हैं, जो कि आपको 3 से 4 घंटे में पूरा एलोरा क्यों घुमा देंगे और आपसे 700 रुपये से 800 रुपये चार्ज करेंगे। दोस्तों आज इस एलोरा केव में बुद्धिस्ट लोग काफ़ी संख्या में आए हैं, जो मैं आपको आगे चल कर दिखाऊँगा कि ये लोग भी दर्शन यहाँ करने के आए हैं। तो इस केव में बहुत सारी मूर्तियाँ भगवान विष्णु और शंकर की बनी हुई हैं, तो हम आपको यहाँ दर्शन करा रहे हैं और दर्शन कराने के बाद हम आपको इस 16 नंबर गुफा से बाहर निकलेंगे, तो आपको हम ले चलेंगे 17 से आगे की गुफाएं दिखाने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बौद्ध के अनुयायी इसमें फोटोशूट करा रहे हैं, बहुत से बौद्ध के अनुयायी इस एलोरा गुफा को देखने आए हैं। आपको सामने पूरी रामायण की कथा यहाँ दर्शित की गई है, तो आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही भव्य ये कैलाश मंदिर आपको हम दर्शन करा रहे हैं। अब हम आपको ऊपर की ओर ले चल रहे हैं, ऊपर से हम आपको इस एलोरा गुफा की दिखाऊंगा। ये सामने आपको जो गुफा दिखा रही है ये 16B नंबर है। इधर कहाँ जाना बेटा? अब मैं ऊपर आपको ले चल रहा हूँ, वहीं से आपको हम कैलाश मंदिर पूरा आपको दिखा रहा हूँ। ये इस समय आपको कैलाश मंदिर ऊपर से दिखाई दे रहे होंगे, आपको वहाँ के व्यू दिखा रहा हूँ। काफ़ी ये भव्य मंदिर है। इसके बाद हम आपको 17 नंबर गुफा की ओर ले चलूँगा। अब हम मुख्य द्वार से बाईं ओर 17 से 34 नंबर गुफाओं को दिखाने के लिए आपको ले चल रहा हूँ। रास्ते में काफ़ी अच्छे से पार्क बनाए गए हैं, तो आप यहाँ से टहलते हुए आप 17 नंबर की गुफा देखने के लिए जा सकते हैं। ये सामने आपको हम ले आए हैं 17 नंबर की गुफा के सामने। ये गुफा नंबर 17। चलिए ऊपर की ओर हम अब आपको ले चल रहे हैं। ये भी काफी बड़ी गुफा लग रही है। इस गुफा में भी बहुत ही अद्भुत नक्काशी की गई है, बहुत ही अति सुंदर गुफा ये बनाई गई है। देखो अंदर गुफाएं हैं, अंदर क्या है, जो बाहरी बाहर घूम रहे हैं, अंदर कौन जाए। इधर से निकलो, उधर से।
अंधेरे में जाओ तुम, डाटा होगा। अब 19 नंबर आपको गुफा हम घुमाने चल रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधेरा है, अंधेरा है अंदर। बीस नंबर अब हम आपको 20 नंबर गुफा दिखा रहा हूँ, ऊपर की ओर हम आपको ले चल रहा हूँ। रामेश्वरम नाम से प्रसिद्ध यह गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों इस एलोरा गुफा आप अगर आइए तो आप को 3 टिप्स मैं देता हूं। अपने साथ पानी की बोतल लाइए, क्योंकि इसके अंदर आपको पानी की बोतल नहीं मिलने वाली। साथ में आप कुछ मीठा लेकर आएँ, क्योंकि आपको यहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको 2 किलोमीटर जाना है और 2 किलोमीटर आना है तो आपको भूख लग सकती है, तो इसलिए अपने साथ मीठा भी रह सकते हैं। और तीसरी शर्त मैं आपको साथ बताना चाहता हूं कि आप अपने जूते ट्रैकिंग वाले लाएँ, जिससे कि आपको पूरे को घूमने में कोई परेशानी ना हो सके। हर हर महादेव। इस समय मैं आपको गुफा नंबर 20 के दर्शन करा रहा हूं। इस समय आप 20 नंबर गुफा देख रहे हैं, जो काफी विशाल गुफा है। इसमें बहुत ही अच्छी सी चित्रकारी की गई है। अब हम आपको 21वीं गुफा के बाहर से दर्शन करा रहा हूं। ये सामने 21वीं गुफा है, ये 22वीं गुफा है, सॉरी। अब हम आपको 22वीं गुफा के दर्शन करा रहा हूँ। अब मैं आपको 23 गुफा दिखा रहा हूँ बाहर से ही, क्योंकि समय कम है, इसलिए हम आपको बाहर ही से दर्शन करा रहा हूँ। तो दोस्तों इस समय हम आपको 17 नंबर से 34 नंबर की एक साइड की गुफा आपको हम ये दिखा रहा हूँ। अब हम आगे की ओर आपको ले चल रहे हैं। ये नज़ारे देखिए आप यहाँ के। तो दोस्तों अगर समय बचेगा तो हम आपको 1 से 12 नंबर की गुफा भी देखने के लिए ले चलूँगा। तो ये वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप घर बैठे आपको बाहर से पूरा एलोरा गुफा कवर कर सकें। आगे मत जाइए। हाँ यार, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो समय इसमें 6 बज चुका है और ये गुफा अब बंद हो चुकी है। यहाँ के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो बंद कर रहे हैं और यहाँ से नीचे जाने के लिए कह रहे हैं। मैदान भी है, कुछ लोग देखिए यहाँ आराम कर रहे हैं। तो अगर आप थक जाएं तो इस मैदान में भी आप आराम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 6 बज चुका है और अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं।
देखो ये क्या बच रहा है, कितने का ये हाथी? हाथी देखो ना सर, ये कितने का है? ये बड़ा वाला 600 का है, इसमें छोटा लेंगे तो 400 का। कौन सा वाला, कौन सा छोटा है बताओ। पैर डाल दे इसमें ऊपर ऊपर। अरे भैया के, अरे खुले तो भैया। दोस्तों एलोरा केव से निकलकर सामने बने हुए हम यहाँ के रेस्टोरेंट में हमने चाय पानी किया और हम अब निकल रहे हैं सीढ़ी की ओर, और इस समय 6:30 बज चुके हैं। देखते हैं कितने बजे हम पहुँचेंगे। तो अगले एपिसोड में आप मेरे सीढ़ी का एपिसोड देखना न भूलिएगा। हर हर महादेव।